नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सीएए को लेकर पीएम मोदी की विपक्ष को खुली चुनौती, बोले कोई माई का लाल नहीं जो इसे हटा दे। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण है सीएए कानून। धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे का शिकार हुए लोगों को मिली भारत की नागरिकता। अरविंद केजरीवाल का दावा, 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। बोले 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा देश से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास। बारामूला सीट पर चुनाव से पहले अमित शाह का श्रीनगर दौरा, गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी। बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को 5वें चरण में होना है मतदान। महबूबा मुफ्ती ने कहा फिर 1987 जैसी स्थिति को दोहराने की हो रही है कोशिश। बोली अगर 1987 के चुनावों में कोई धांधली नहीं हुई होती तो आज कश्मीर में स्थिति होती अलग। चुनावों से पहले धमकाया जा रहा है लोगों को। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूर्वांचल के वोटरों में जोश भरने के लिए आज लालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। पीएम ने कहा कि धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे का शिकार हुए ये वो लोग हैं जिन्हें कल ही सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। कांग्रेस पर नाम लिए बिना हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने मजबूरन भारत माँ की कोख में शरण ली लेकिन कांग्रेस ने कभी इनकी सुध नहीं ली क्योंकि ये उनका वोट बैंक नहीं थे। ये ज्यादातर ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के मेरे वे भाई बहन हैं जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जो शरणार्थी बनकर लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने सीएए के नाम पर झूठ फैलाया और यूपी सहित देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बातों को याद नहीं रखते। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया।
लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन है, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन है, मेरे पिछड़े भाई बहन है, और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक के राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य देश से आरक्षण को खत्म करने के लिए किया है। उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो 400 सीटों को हासिल करने का लक्ष्य तय किया है, वे देश से आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का शुरू से ही प्रयास रहा है कि देश से आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर जिस बड़े काम को करने की बात कर रही है वह यही है कि देश से आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं, इसे हटाया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार, क्यों? कहते हैं नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, RSS, BJP, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नज़र आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, UP में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान, जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहां पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है,
भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है। लोकसभा चुनावों के पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। पांचवें चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रस्तावित दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। पांचवें चरण के मतदान से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री इस दौरान 10 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स पार्टी डेलीगेशन और सिख डेलीगेशन शामिल हैं। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है और इन दोनों सीटों पर गुज्जर और बकरवाल वोटरों की बड़ी संख्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की तीनों सीटों पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, फिर भी गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं श्रीनगर लोकसभा सीट पर 13 मई को हुए चौथे चरण के मतदान में रिकॉर्ड 38% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था, जो 1996 के लोकसभा चुनावों के बाद से सबसे अधिक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि एक बार फिर कश्मीर में 1987 की उथल पुथल वाली स्थिति को दोहराने की कोशिश की जा रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोग भावनात्मक स्वभाव के हैं और बावजूद इसके वे राजनीतिक तौर पर भी दूरदर्शी हैं। जमात इस्लामी संगठन के चुनाव लड़ने पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले भी जमात इस्लामी संगठन चुनावों में हिस्सा लेता था और अगर 1987 के चुनावों में कोई धांधली नहीं हुई होती तो आज कश्मीर में स्थिति अलग होती। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम देखते हैं कि लोगों को चुनावों से पहले धमकाया जा रहा है और ये हमें एक बार फिर 1987 की उथल पुथल वाली स्थिति की याद दिलाती है। देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो जरूर है मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज्यादा बालिग लोग हैं और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियां नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर का में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे, जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान की अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। मैडम, कल अमर उद्दला ने कहा कि हमने 2014 में पीडीपी को हाथ दिया था, अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए बोला था, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त पीडीपी ने हाथ वापस लिया, क्या देखा? ऐसा ही सपोर्ट जैसे मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, तो आप ऐसे ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया उन्होंने, प्रैक्टिकली क्या किया? जो पीएजीडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें, उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, तो आप 2014 की बातें ले करने से क्या फायदा होगा? मैम, अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर है वो हमारा है, वो कहते हैं कि यहाँ पे पहले पत्थरबाजी होती थी, अब उस पार होती है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, अभी तो 22 करोड़ मुसलमान है ना पूरे मुल्क में,
तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहां से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहां रखेंगे? वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अब कहते हैं वहां के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहां मुसलमान है उनकी इज्जत करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहे। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में विशाल जनसभा का आयोजन किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार सजाद गनी लोन के समर्थन में आयोजित की गई इस विशाल जनसभा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा में शामिल हुए लोगों से सजाद गनी लोन के पक्ष में मतदान करने और बारामूला लोकसभा सीट से उन्हें कामयाब करने की अपील की। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बीच है। बारामूला लोकसभा सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग ने बड़गाम जिले के बीरवाह में मार्शल आर्ट इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट का आयोजन किया। मार्शल आर्ट इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। इसमें अंडर 14 और अंडर 17 खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। इस अवसर पर सैमी स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अब्दुल रूफ बुखारी मुख्य अतिथि थे। मार्शल आर्ट इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट में भाग लेने वाली खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तो इट्स वेरी गुड, हमारा स्कूल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मार्शल आर्ट्स की एसेंशियलिटी तो आपको पता ही है कि आजकल डिफेंस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, इट हैज़ ए मल्टीपर्पज मीनिंग। तो वो मल्टीपर्पज उसका वो शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एंड इट हैज़ बीन ए वेरी गुड इवेंट। एंड मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ तमाशाई बनकर भी थे उनके लिए भी मस्ट बी ए मैटर ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट। इट्स गुड फॉर बोथ फिजिकली एंड सोशली, उनका एक इवेंट मिलता है। रेशम उत्पादन विकास विभाग के निदेशक अजाज अहमद भट्ट ने जिला शोपियां का दौरा किया और विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यों और अन्य विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान रेशम उत्पादन विकास विभाग के निदेशक ने शोपियां जिले में शहतूत फार्मों, ब्लॉकों और नर्सरी का निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और उन्हें रेशम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर रेशम उत्पादन विकास विभाग के निदेशक अजाज अहमद भट्ट ने कहा कि कोकून नीलामी के लिए विभाग उचित समय पर तैयारी करेगा ताकि रेशम उत्पादन से जुड़े लोगों को फायदा मिल सके। फार्मर्स हैं उनके लिए है, लेडीज भी कर सकती हैं। तो मेरा यही फोकस है ज़्यादा कि हम जो इकोनॉमिकली कमज़ोर लोग हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करें। मैंने हर जगह हिदायत भी दी है, अगर हमारी कहीं जगह है हम अपनी जगह भी प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर के लिए भी मैंने गुजारिश की है सरकार से कि हम जिनको हम कहते हैं रेयरिंग हॉल्स, हम रेयरिंग हॉल्स रखेंगे, बड़े बड़े हॉल रखेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि लोगों की डिमांड है हम उनको फ्री ऑफ कास्ट देंगे। वो क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनके पास जगह नहीं है। मैं गया रामबन में, मैं गया या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया, मैंने देखा कि उनके पास जगह नहीं है। काफ़ी सारी गरीब लेडीज़ हैं वो हमारे शेडो में कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम बड़े कम्युनिटी टाइप के। ब्रैंटन के आज के संक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।